नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कौशिक, आपका ब्लड टेस्ट एक्सपर्ट शीतल छाया डायग्नोस्टिक्स से। दोस्तों, आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है सबसे ज़रूरी टॉपिक आज के मौसम का, वो है बुखार। आजकल जो है पूरे हम देखेंगे गली में, मोहल्ले में, अपने रिश्तों में, कहीं ना कहीं वायरल फीवर बोलते हैं, हर आदमी को बुखार हो रहा है, फैमिली में एक आदमी को हो रहा है बुखार। ये जो मौसमी बुखार है वो बहुत ज़्यादा फैलता है, और ये जो मौसमी बुखार है ये पहले भी फैलता था, आज भी फैल रहा है, पर अब जो इसके मायने हैं वो बदल गए हैं। तो आज जो हमने टॉपिक पे बात करनी है वो है, हर बुखार कोरोना नहीं होता। तो आज उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि हमारे को बुखार से डरना नहीं है, हर बुखार कोरोना नहीं होता है, हमारे को उसको कैसे मैनेज करना है, कौन कौन से बुखार आजकल इस सीज़न में पेशेंट्स को पकड़ रहे हैं, लोगों को जकड़ रहे हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। बुखार अगर हम देखेंगे तो बुखार कोई बीमारी नहीं है बिल्कुल भी, बुखार बीमारी का लक्षण है। अगर हमारे को कोई भी बुखार या बीमारी होती है तो उसके रिपल्शन में, उसको दिखाने के लिए कि हम बीमार हो गए हैं, हमारी बॉडी रिएक्ट करती है और हमारे को बुखार हो जाता है। तो आज इसी के बारे में हम डिटेल बात करेंगे कि ये कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले तो हमारे को पता होना चाहिए कि हमारे को कब सीरियस होना है। जब हमारे को बुखार, जो नॉर्मली हमारे को बुखार, मतलब जो हमारा टेम्परेचर होता है वो 97.7 से 99.5 के बीच में होता है, जो एक स्वस्थ आदमी का, नॉर्मल आदमी का होता है। अगर हमारा टेम्परेचर 99.5 से ऊपर चला जाए तो हमारे को बुखार हो गया है। अब बुखार क्यों हुआ है उसका कारण हमारे को जानना चाहिए। तो आज हमारा जो डिटेल में टॉपिक है कि बुखार में क्या क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन से बुखार होते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो बुखार के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हमारे को डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, स्वाइन फ्लू हो सकता है, वायरल हो सकता है, और या फिर कोरोना हो सकता है। तो इसमें से कोई भी रीज़न हो सकता है बुखार होने का। तो अब हम जो है डिटेल में हर बुखार को अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डेंगू के बुखार को। जो डेंगू का बुखार होता है इसमें हमारे को प्रॉब्लम होती है, लाइक सबसे पहले तो देखें कैसे होता है डेंगू का बुखार। हमारे को मच्छर के काटने से होता है, डेंगू के मच्छर के काटने से होता है, और जो डेंगू का मच्छर है वो साफ पानी में रहता है। ये इसका एक सबसे बड़ा डिफरेंस है बाकी बुखारों से। जो डेंगू का मच्छर है वो साफ पानी में रहता है। तो हमारे को जब बुखार हो जाए, हमारे को डेंगू के बुखार में क्या होता है कि हमारे को शरीर में लाल दाने हो सकते हैं, हमारे मसूड़ों में से खून आ सकता है, लैट्रिन के रस्ते में खून आ सकता है, उसके अलावा तेज बुखार होता है, बदन टूटता है। तो हमारे को समझना चाहिए कि हमारे को डेंगू का बुखार हो सकता है। अब डेंगू का बुखार हम पहचानेंगे कैसे? डेंगू का बुखार पहचानने के लिए हमारे को खून की जांच करानी पड़ेगी, तभी हमारे को पता चलेगा कि हमारे को डेंगू हो गया। जैसे हमारे लिए NS1 एंटीजन होता है, फिर डेंगू सीरोलॉजी होता है, IgM IgG, फिर CBC होता है, और एक प्लेटलेट होता है। डेंगू के बुखार में बहुत सारे चांसेस होते हैं कि प्लेटलेट हमारा डिक्लाइन हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे कि हमारे को पता चलता है कि हमारे को डेंगू हो गया है। शुरुआती में जो पहले 4-5 दिन में अगर हमारे को टेस्ट कराना है तो NS1 कराना है, NS1 एंटीजन जिसको बोलते हैं, जो शुरुआती डेंगू को ही पकड़ लेता है, या फिर IgM IgG होता है डेंगू सीरोलॉजी। डेंगू में हमारे प्लेटलेट कम हो जाते हैं तो हमारे को बचाव के तौर पे हमारे को तरल पदार्थ ज़्यादा लेने हैं, नारियल पानी हो गया, शिकंजी हो गया, जूस हो गया, जिससे कि हमारा प्लेटलेट इंक्रीज हो जाए दवाइयों के साथ साथ। पूरी बाजू के कपड़े पहनने हैं हमारे को, घर में मॉस्किटो रेपेलेंट का इस्तेमाल करना है, तो ये हमारे को प्रिकॉशंस लेने हैं। तो डेंगू के बारे में बात हो गई। अब डेंगू के बाद जो हम दूसरा बुखार हम लेके चलेंगे वो है मलेरिया। मलेरिया का जो बुखार है वो हमारे को मच्छर काटने से ही होता है, पर इसके मच्छर डिफरेंट हैं। इसके मच्छर जो हैं उनका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और फैंसीपैरा। ये जो हमारे इंडिया में है ये दो
मच्छर ज़्यादा पाए जाते हैं, वाइबेक्स और फैंसीपेरा। अब ये मच्छर के काटने से हो गया, मलेरिया के बुखार में हमारे को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है एक स्पेसिफिक टाइम पे, जैसे कि एक स्पेसिफिक टाइम में हमारे को हर दिन 24 घंटे में एक फिक्स टाइम पे ही ठंड लगेगी, जैसे अगर किसी को 4 बजे लगे तो उसको 4 बजे ही ठंड लगेगी एक साइकिल की वजह से, जो मलेरिया की साइकिल होती है उसमें। उसके अलावा हमारा जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई हो जाता है, 104 डिग्री तक पहुँच सकता है मलेरिया में, दाने हो सकते हैं, दस्त हो सकते हैं, ये मलेरिया का सिम्टम्स है। मलेरिया में से बचाव के लिए हमारे को क्या करना है, सबसे पहले तो मलेरिया की जांच करानी है कि हमको मलेरिया ही है, तो उसके लिए हमारे लिए क्या करना है, पीएस पेरिफेरल स्मेयर फॉर एमपी करवाना है। उसमें क्या होता है कि हमारा खून के द्वारा जांच करके स्लाइड्स बना के और हमारे मलेरिया के को देखा जाता है। उसके अलावा एक रैपिड मलेरिया कार्ड भी होता है जिसमें एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है, उसमें वाइवैक्स और फैल्सीपेरम की पकड़ा जाता है, उसको पकड़ा जाता है, देखा जाता है कि हमारे को प्लाज्मोडियम वाइवैक्स या फैल्सीपेरम का बुखार तो नहीं होता है मलेरिया का। बचाव में हमें को क्या करना है, घर के आसपास बिल्कुल पानी नहीं इकट्ठा होने देना, पानी इकट्ठा हो तो उसको बिल्कुल निकालना है, कूलर रेगुलर साफ करने हैं, कूलर में अगर पानी है तो उसके अंदर थोड़ा सा एक तेल का ढक्कन डालना है जिससे कि मच्छर उसमें नहीं पनप सके। पूरी बाजू के कपड़े पहनने हैं, चाहे वो पैंट हो, चाहे वो शर्ट हो, टी शर्ट हो, पूरी बाजू की पहननी है। मॉस्किटो रेपेलेंट का अपना पूरा इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो अब हमने दो बुखार कवर कर लिए, डेंगू और मलेरिया। अब तीसरे बुखार की तरफ आते हैं, जब होता है वो है टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर हमारे को होता है साल्मोनेला टाइफाइड की वजह से। जो साल्मोनेला है वो मच्छर नहीं है, तो दोनों में डिफरेंस हो गया ना, अभी मलेरिया देख लिया हमने, डेंगू देख लिया, वो मच्छरों से होता है, बट जो टाइफाइड है वो मच्छर की वजह से नहीं होता, वो दूषित पानी की वजह से होता है, उसके अंदर जो है साल्मोनेला टाइफी होता है, जो हमारे को पानी पीने से या फिर गंदा खाना खाने से, इन्फेक्टेड खाना खाने से, जो मक्खियाँ होती हैं वो गंदे खाने से बैठ के हमारे खाने में बैठ जाए, उसको हम खा लें, उससे हो जाता है। तो इसके लिए हमारे को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके लिए हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे को बुखार होता है, पेट में दर्द होता है, एब्डोमिनल परफोरेशन हो जाती है पेट में, आँखों में इन्फेक्शन हो जाती है जो टाइफाइड में। अब टाइफाइड को पहचानेंगे कैसे, तो ये हमारे को खून की जांच से पता चलता है कि हमारे को टाइफाइड है या नहीं। एक टेस्ट होता है टाइफिडॉट IgM IgG जो कि एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है, जो हमें बता देता है कि हमारे को टाइफाइड हुआ है, अभी हुआ है या पहले हुआ है, वो सारा बता देता है टाइफिडॉट IgM IgG। उसके अलावा विडाल भी टेस्ट है जो हमें बताता है कि हम टाइफाइड से इन्फेक्टेड हैं या नहीं। ये दोनों ही जांचें जो मेजॉरिटी में है हम ब्लड से होती हैं। इसके अलावा हमारे को इससे बचने के लिए क्या करना है, जैसे मलेरिया और डेंगू से बचने के लिए हमने बताया था ना कि हमारे को पूरी बाजू के कपड़े पहने हैं, इसमें बिल्कुल हमारे को हाथ पैर धोने हैं अपने, हमेशा स्वच्छता रखनी है, उबला हुआ पानी पीना है, गंदी जगह से खाना नहीं खाना, मक्खी मच्छर जहाँ पे हो वहाँ पे खाना नहीं खाना है, और मास्क लगा के रखना है, ठीक है। तो अब हमने तीन देख लिए, अब उसके बाद हम क्या बात करेंगे, स्वाइन फ्लू की। स्वाइन फ्लू क्या होता है, उसको H1N1 भी बोलते हैं। H1N1 फ्लू में क्या होता है कि हमारे को बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ जाता है, हाई ग्रेड फीवर, सोर थ्रोट, नाक बहना, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, और इसके लिए H1N1 टेस्ट होता है। और इसका बचाव क्या है, बचाव एक वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन कराएंगे और हम स्वाइन फ्लू से बच जाएंगे। अब जो पांचवा रीज़न है बुखार होने का, वो है वायरल फीवर। जैसा हमारे को पता है कि वायरल फीवर का मतलब हो गया कि हमारे अंदर वायरस घुस गया है, वो अपना लाइफ जिएगा, हमारे को परेशान करेगा, हमारे को बुखार करेगा और वो चला जाएगा। रूटीन में वायरल फीवर जो है वो 5 से 7 दिन लेता है ठीक होने में, क्योंकि उसकी जो लाइफ होती है अपनी होती है रूटीन वायरल फीवर की। तो वायरल फीवर में हमारे को बिल्कुल वही है, वो वायरल फीवर जो है वो वायरस से होता है, मच्छरों से नहीं होता। तो हमारे को सेम प्रिकॉशन रखनी है, हमारे को अपना आपको आइसोलेट रखना है, क्योंकि वायरल फीवर में क्या होता है कि वो कम्युनिकेबल होता है। जैसे समझ लो कि अगर किसी फैमिली में एक मेंबर को हो गया,
तो अगर वो अपने आप को आइसोलेट नहीं करेगा तो वो जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी इन्फेक्टेड कर देगा। तो बचाव में क्या हो गया हमारे लिए कि हमारे को वायरल फीवर में आइसोलेट रहना है, दवाई खानी है और अपने घर पे रह के एकांत में रहना है, दूसरे से ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं करना, नहीं तो हम उसको स्प्रेड कर देंगे अपनी फैमिली। और जो अब हम बात करेंगे लास्ट, जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए चिंता का विषय है, जिसका नाम आते हैं हम डर जाते हैं, वो है कोरोना फीवर। कोरोना से तो हम पिछले लगभग 2 साल से जूझ ही रहे हैं और उससे हम पूरी तरह वाकिफ हैं कि वो कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है हमारे को। तो सिम्टम्स तो सेम ही हैं, आपको पता है, सांस लेने में तकलीफ, हाई फीवर, बुखार, खांसी, दस्त, जोड़ों में दर्द। तो इसका टेस्ट कैसे पता करेंगे हम? तो कोरोना का टेस्ट करने के लिए, जैसा हमारे को पता है कि हम रैपिड एंटीजन कर सकते हैं या RT-PCR कर सकते हैं। रैपिड एंटीजन से भी हमारे को पता चल जाएगा कि हम कोरोना से इन्फेक्टेड हैं या नहीं, और RT-PCR से भी हमें पता चल जाएगा। और आपको ये भी पता है इसका बचाव क्या है? इसका बचाव है आइसोलेशन। हमारे को अपने आप को बचाना है, अकेले में रहना है, जिससे कि ये कम्युनिकेट ना हो, क्योंकि ये सबको पता है कि कोरोना फीवर भी एक वायरल इन्फेक्शन है और ये हमारे को एक दूसरे से फैलती है। तो हमारे को अपने आकर अगर हम इसमें इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो हमारे को आइसोलेशन में रहना है, दूसरे से कांटेक्ट नहीं करना है, जिससे कि हम दूसरे को ना फैलाएं। वैक्सीनेशन लेनी है, दवाई लेनी है और जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे हम सारे। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक था वो डेफिनेटली आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा कि हमारे को डरना नहीं है। हर बुखार कोरोना नहीं होता है, तो हमारे को देखना है बुखार हमारे को हुआ है तो हमारे को कौन सा बुखार हुआ, उसका रीज़न ढूंढना है कि वो वायरल है या मलेरिया है या डेंगू है या टाइफॉइड है या कोरोना है या वह सिंपल जो है स्वाइन फ्लू है, तो वो हमारे को देखना है, उसका इलाज करना है। अगर आपको इसके बारे में कोई और प्रश्न हो तो आप हमारे को इनबॉक्स में कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब जल्द से जल्द दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको जो मैंने जानकारी दी है वो अच्छी लगी हो, तो डेफिनेटली आप हमारे जो YouTube चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सबसे ज़रूरी जानकारी, अगर आपको इनमें से कोई भी जांच करानी हो तो आप शीतल छाया डायग्नोस्टिक में, जो पूरी दिल्ली कवर कर सकता है, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं या कॉल करके भी अपना फीवर पैनल बुक करा सकते हैं। जो शीतल छाया का कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 9868704466। या आप उनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, www.sheetalchayadiagnostics.com। थैंक यू।